सर में आज बास्तानार के किलेपाल में मुख्यमंत्री की सभा थी और इसको कवरेज करने के लिए मैं आया हुआ था। जब मैं रास्ते में आ रहा था तो मैं देखा कि गांव जो ग्रामीण जो हैं जो गांव के वो लोग 10 चक्का ट्रक में पीछे डाला में बैठे हुए थे और बहुत उत्साहित चले आ रहे थे ट्रक से। तो उनको देखा तो मेरे मन में एक ख्याल आया। ख्याल क्या आया? ख्याल ये आया कि बस्तर के जो वोटर हैं इनका भी गजब मतलब कहानी है कि ये अपने नेता को चुनने के लिए पैदल जाते हैं और जब वो नेता चुन लिए जाते हैं तो उनको सुनने के लिए ट्रकों में बैठकर जाते हैं, है ना। तो ये लोग जो है अपने नेता को सुनने आए थे। नेता को उन्हें नहीं मालूम, क्या बोलेगा नहीं मालूम, क्या कहा वो भी नहीं मालूम और क्या इन्होंने सुना वो भी नहीं मालूम। बस इनको ये पता है कि अपने नेता को सुनने आए। तो ऐसे ही मैं सोचा किसी एक ग्रामीण से बात करें तो एक ग्रामीण मिलें। भैया क्या नाम है आपका? सुखराम। सुखराम, सुखराम दादा कौन से गांव से हो? परलमटा। परलमटा बाकलूपारा। अभी कहाँ आए थे? मैं किलेपाल आया हूँ। काहे के लिए? ऐसी मीटिंग है बोल के इसलिए बुला रहा है, इसलिए आए हैं। मीटिंग मतलब क्या मीटिंग? क्या मीटिंग आई तुम तो? क्या है तो मैं थोड़ा नहीं जानता हूँ। अच्छा, तो मतलब मीटिंग क्या है नहीं मालूम? आए हो सुनने के लिए? सुनने के लिए आए हो? सुनने के लिए। हाँ, सुनने। क्या सुने? ओ सुने दिए थे तो मुकेश बघेल आए थे ना। हाँ, क्या बोले? हाँ, क्या वो तो बोले हैं ऐसा ऐसा है बोल के कुछ क्या? कुछ बोला मतलब क्या बोला? कुछ कुछ तो बोला है। हाँ, क्या? अच्छा अच्छा, ये बोल रहा था मैं। हाँ, कि आप लोग वोट देने जाते हो? जाते हो ना। तो कहाँ जाते हो? कौन से गांव जाते हो? कितना दूर जाते हो वोट देने? वोट देने बहुत दूर जाते हैं, वो एक पहाड़ है उस पार। अच्छा, इरपा। तो कैसे जाते हो? ऐसी पैदल जाता हूँ। पैदल जाते हो? हाँ। तो मतलब वो जो मैं आपसे कहा ये लोग अपने नेता को चुनने के लिए पैदल जाते हैं और अपने नेता को सुनने के लिए ट्रकों में भर कर आते हैं सुनते हैं। क्या सुनते हैं नहीं मालूम, क्या? हाँ। सुने कुछ कुछ तो सुनता है। कुछ कुछ सुने? कुछ समझ में आया? समझ में आया हूँ। क्या क्या समझ में आया सुखदेव? कुछ कुछ तो मैं पहले आए थे ना इसलिए। अच्छा, कितने बजे निकले हो सुबह? सुबह 10 बजे। और अभी कुछ खाए सुबह से? सुबह से कुछ नहीं खाया। सुबह से कुछ नहीं खाए हो? पेट पी के आए थे। अच्छा, पेट पी के आए थे? पेट पी के आए थे। तो यहाँ आने के बाद खाना वाना की व्यवस्था है कि नहीं है? व्यवस्था है, है। सब सब व्यवस्था है। सब व्यवस्था। क्या क्या मिला कुछ खाने वाने में? सब्जी, दाल भी मिला, आलू मिला, गोभी मिला। अच्छा, वाह, मतलब आज तो 56 भोग मिल गया एकदम से। सब्जी मिला, आलू मिला, दाल भी मिला और सब कुछ मिल गया, 56 भोग मिल गया। सुनने आए थे नेता को बैगन भी मिला। बैगन भी मिला, बहुत इंटरेस्टिंग है कि इनको सब कुछ मिल गया जो इनको चाहिए था। मतलब कि आदिवासी, एक मेरा बस्तर का एक भाई, एक किसी को मैंने आदिवासी कह दिया था तो उसने कहा कि आदिवासी नहीं आदिवासी भाई कहा करो। तो एक आदिवासी भाई, इसको बैगन आलू दाल सब्जी मिल गई, मतलब सब कुछ मिल गया। बिल्कुल खाली है, सब परेशान हो रहे हैं, सुबह सुबह बुलाए हैं यहाँ पे। कितने बजे आए थे? हम लोग करीबन 8 बजे निकले हैं वहाँ घर से। अच्छा, और अभी खाने के लिए खाना नहीं है, वहाँ से भी भूखे आए थे हम लोग। एक पहर का भोजन मिल गया और ये अपना पूरा दिन इसी पे लगा दिया कि एक नेता को जिसको इन्होंने पैदल चल के चुना था अब उसको 10 चक्का में बैठ कर सुनने जा रहा है। आ गया, खाना खा लिया है, अब अपनी गाड़ी ढूंढ रहा है। गाड़ी ढूंढ रहे हो क्या? गाड़ी मिला? गाड़ी नहीं मिला। नहीं मिला तो इधर है। अच्छा, गाड़ी नहीं मिली है। मैं आपको दिखाऊं एक बार, ये इस तरह से गाड़ियां खड़ी हैं। अगर आप देखें दूर तक, ये सारे जो 10 चक्का जो वाहन है इसमें इसी तरह से ग्रामीणों को बैठा के लाया गया है। अच्छा, एक चीज़ और बताऊँ कि ये कोई सरकार बदलने से ये नीतियाँ नहीं बदलती, ये नीतियाँ वही होती हैं, सरकार बस बदल जाती है। बस्तर का जो वोटर है उसकी बस दो ही कहानी है जो मैंने आपको इन्हीं की जुबानी सुनाई थी। खैर, मैं किसी पार्टी को क्लेम नहीं कर रहा हूँ या ब्लेम भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये बता रहा हूँ कि बस्तर के वोटरों की आप कहानी समझिए।